पहले चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और अभी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस भी इस बार जीत का दावा कर रही है। सिरसा में कांग्रेस की कुमारी सैलजा और चुनाव से पहले बीजेपी में आया अशोक तंवर के बीच मुकाबला है। एबीपी न्यूज से बातचीत में कुमारी सैलजा ने दावा किया कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीतेगी। सैलजा का यह भी कहना है कि इस बार ध्रुवीकरण पर नहीं मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है और इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मेरे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा जी, जो खुद इस बार सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बड़े बड़े नाम अब दावा ठोक रहे हैं और वोटिंग के सिर्फ दो चरण बाकी हैं। मैम, क्या उम्मीद है आपको ऐसे समय पर, जबकि बीजेपी लगातार क्लेम कर रही है कि वो तो 400 पार करने वाले हैं? कोई 400 पार का क्लेम इनका हमेशा की तरह हर बात इनकी खोखली हो चुकी है। फेज में इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। सिरसा में आपको क्या लगता है, आप इतने दिनों से प्रचार कर रही हैं, यहाँ पर समर्थन मिल रहा है वैसा जैसा आपको उम्मीद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। के खिलाफ खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कई बार आपका आशीर्वाद लिया होगा, वो भी कभी पार्टी में हुआ करते थे। तो ये बात तो है, लेकिन अब पार्टी छोड़ना, जब पार्टी ने इतना कुछ दिया और तो लोग इस चीज़ का भी आकलन करते हैं। एक बयान देखा मैंने 2019 से, मैं भी पूछना चाहूँगा कैसे फ़र्क है। आपका एक बयान देखा, आपने कहा इस बार बालाकोट नहीं है, कहने का मतलब? जी जी, मतलब ये है कि पिछली बार देखो, जो ये हमारे स्टेट्स हैं इनमें एक इम्पैक्ट बालाकोट का था, क्योंकि जिस तरह से एयर स्ट्राइक का राजनीतिकरण भाजपा ने किया उस समय, तो उससे लोगों में एक बात इन्होंने डाली, उसका एक इम्पैक्ट था और वो एक असाधारण सी स्थिति बनी थी उस समय। वरना हार जीत की बात नहीं होती, आप देखिए ना मार्जिन्स कितने ज़्यादा उस समय बन गए थे। तो कुछ एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था, उसमें बालाकोट एक मेजर इम्पैक्ट था। कब तक लोगों को डराएंगे, कब तक लोगों को धर्म के नाम पर ऐसे बरगलाएंगे और उनको गुमराह करेंगे। यहाँ भी आए थे मुख्यमंत्री यूपी के, और उनके आने से एक दिन पहले यहाँ भी बुलडोज़र और जेसीबी मशीन की रैली निकाली गई, लेकिन लोग ऐसी बात को पसंद नहीं करते। और ये सिरसा है, हरियाणा है, हम नहीं ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करते। और क्या दिखाना चाह रहे हैं, गरीबों पर चलाएंगे ये बुलडोज़र? अमीर के घर तो कभी नहीं ढाए हैं आपने। तो हरियाणा में क्या लगता है मैम आपको, इस बार हरियाणा में क्या क्या आंकड़ा होगा? हरियाणा में स्थिति बहुत बदल गई है, आंकड़ों पर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों में एक नीचे नीचे 2004 की तरह एक फीलिंग आ रही है, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा कि 10 सीटों पर भी हम अगर हमारा गठबंधन काबिज हो जाए। 100 सीट पर बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, सेंटर में भी और स्टेट में? जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार भी बहुत ज़्यादा कमजोरी पर है, किसी भी दिन जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान मैंने अभी देखा, उन्होंने कहा कि आप लोगों की हार की बौखलाहट है, जो आप लोग उनकी नीतियों की, वो जितने वादे कर रहे हैं उनकी सबकी मुखालफत कर। एक चीज़ हमने देखी है कि जो इनके ऊपर लागू होती है बात, ये भाजपा का एक तरीका है कि जो उन पर लागू होती है बात, उसको वो उल्टा हमारे ऊपर या विपक्ष के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब लोग हंस रहे हैं देश में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसे कांग्रेस पार्टी को देते, लोग हंस रहे हैं इस बात। आप लोगों का अलायंस अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है, आज मैंने उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि 5 चरणों के मतदान के बाद अब क्लियर है कि इंडिया अलायंस 300 से पार है और मोदी जी बाहर जा रहे हैं। देखो उनका, मैं अपने चुनाव में ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे आंकड़ों का तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर नज़र आ रहा है कि गठबंधन अगली सरकार बनाएगा। एक मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर के पुराने वीडियोस राहुल गांधी जी के निकाल करके और उस पर कांग्रेस को घेरने की बड़ी कोशिश सीधे प्रधानमंत्री भी करते हैं। हाँ करेंगे, क्योंकि कुछ और इनके पास, जैसे मैंने कहा ना, पोलराइज हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनका कुछ एजेंडा भी नहीं है और ना इनके पास कोई इश्यू है। भाई 10 साल की अपनी कारगुजारी बताओ ना। आप चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मेरे नेता है, क्यों नहीं चाहूँगी, राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। मैं कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ, मेरी पार्टी कांग्रेस है, मेरे नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैम, कि अभी आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी
उड़ीसा में, हालांकि यहाँ से रिलेटेड नहीं है। संबित पात्रा साहब ने कह दिया, अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। हाँ, क्योंकि ये पूजते हैं ना, इनको पता है कि इनको पार्टी में सर्वाइव करने के लिए राम भक्त होने की ज़रूरत नहीं है, राम भक्त बाकी देश हो जाए, लेकिन इनको तो मोदी भक्ति होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैम, वोटिंग हो रही थी छपरा जो बिहार स्टेट में सारण में, वहाँ बाकायदा बूथ पर बहुत लड़ाई झगड़ा, रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, आज सुबह गोलियां चली, आरजेडी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, इस पर आपका क्या? डर रहे हैं ना सत्ता खोने से, डर रहे हैं ये लोग, और इसलिए इस तरह की, और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है हमारे समझ में नहीं आता, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इन चीज़ों को देख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।